हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आपको ORP 3 की कुछ हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ। बस ऐसा नहीं है कि ये फिक्स कर दिया मैंने, या आप लोग कहें कि अरे ORP 2 नहीं मिली तो ORP 3 की क्यों बता रहे हो। देखिए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हैं, आप लोग मत देखिए। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कि यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, जो कि इमेजाइनरी कर रहे हैं कि ORP 3 में क्या हो सकता है। तो मैंने उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी इसमें बुरा मत मानना, और आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करो जो कि अच्छा नहीं लगता है। चलिए, यहाँ पर आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी हमेशा यही रहती है, प्रत्येक वीडियो को आप लोग लाइक किया करो, और इस वीडियो को आप ज़रूर आप लाइक करके आगे बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपका एक विज़न क्लियर होगा इसमें। बस और तो देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ORP 3 की हाइलाइट्स क्या हैं, मतलब क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये 30/6/2024 से 30/7/2024 तक आने की इसमें पूरी उम्मीद है। इसके बाद में ये है कि यहाँ JCOs और SCOs को कोई खास फायदा नहीं होगा, मतलब समथिंग यहाँ पर उनका भी 2000 से 2200 रुपये तक का उनको इजाफा है इस ORP 3 में, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्सेशन होगा वो आपका जो 2023 का मैक्सिमम एंड मिनिमम है उसका ही एवरेज निकाल के यहाँ पर आपको ORP 3 दी जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग ORP 2 जैसी ही होगी ORP 3 ईयर, मतलब पहले ही ORP 1 के बाद में ORP, देखो जो भी संगति ORP 1 में थी वही 2 में कैरी हुई, और जो 2 में अगर उसको दूर नहीं किया गया तो वो 3 में कैरी होंगी। तो इससे यहाँ पर खास फायदा होने वाला है नहीं। एरियर आपको एरियर जो है वो आपका मान लीजिए 1/7/2024 से आगे ही आगे के जो आगे का एरियर होगा वो मिलेगा 1/7/1/8 का। तो इसमें यहाँ पर पांचवा पॉइंट है हमारा कि 1/7/2014 PMR जैसे ORP 2 में बाहर करे गए थे, ऐसे ही यहाँ पर 1/7/2019 के जो PMR हैं उनको यहाँ पर बाहर रखा जाएगा ORP 3 से। ORP 3 की टेबल में एक्स ग्रुप के दो ग्रुप, मतलब दो टेबल होंगी। अगर ये जो कैश चल रहा है यहाँ पर एक्स ग्रुप का, अगर वो फाइनल नहीं होता है तो फिर आपको दो टेबल देखने को मिलेंगी फ्री एंड पोस्ट। ORP 3 की टेबल में नई रैंक की भी एक जैसी ही पेंशन होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। अभी MSP मिलेगी यहाँ पर 2600, अगर MSP पर जो केस चल रहा है उसकी जो तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, अगर यहाँ पर ऐसा ही हुआ तो वो 2600 ही मिलनी है। और इसके बाद में एक एवरेजन बताया जाए तो 23,618 हवलदार की यहाँ पर MSP रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पर मतलब पेंशन लेने की उम्मीद है। अब जो हमारी ORP 3 है उसमें लगभग सिपाही यहाँ पर 20,663 का बेसिक होगा, और हॉर्नी कैप्टन साहब का यहाँ पर 45,938 का होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी जो टेबल है वो कैसी संभावित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टेबल है, सिपाही रैंक नायक ऐसे करके मैंने रैंक यहाँ पर 17, 19, 17, 22, 19 ऐसे करके ही पूरी रैंक दी है। तो मित्रों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें उम्मीद है कि जो मिनिमम है ना 2023 का और जो मैक्सिमम है उसका डिफरेंट निकाल के जो भी यहाँ पर पेमेंट है वो ऐड कर दिया जाएगा आपका ORP 2 के बेसिक में। तो ये यहाँ पर बेसिक बनेगा आपका, देख रहे हैं, सिपाही का जैसे 20,450, सेकंड में 19 साल के तो 21,075, नायक के तो 22,175, नायक 22 साल के 23,925, हवलदार हैं तो 19 साल के 23,475, और हवलदार हैं तो यहाँ पर 24 साल के तो 24,900। ये संभावित है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ना ये मत कहा करो कि अरे अभी तो 2 नहीं मिली। देखो, 2 नहीं मिली है तो उसके लिए आप लोग CP Rams करिए, आप लोग अपडेट करिए, आप लोग जागरूक बनिए, आप लोग वीडियो वॉच करिए, आप लोग विधि देखिए। आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोगों को एक आप सिविलियन से थोड़ा हट गए, आप डिसिप्लिन में रहें, आपने सारी चीज़ अब आप एक बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल आप देश के आप आधार रहे हैं। तो आप ऐसे मत कहा करो हल्की बात कह रहे क्या होगा, ये क्या कर दिया ऐसे। आप लोग करो ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप CP Rams डालिए, ग्रेवेंस डालिए, स्पर्श डालिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप हमसे पूछिए। मेरा इस वीडियो के हर एक वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा व्हाट्सअप ग्रुप रहता है, आप लोग उसमें जाके क्वेश्चन करिए। आपको कोई नंबर नहीं है, रिकॉर्ड ऑफिस का नंबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आपके पास कोई मेल आईडी नहीं है किसी का, तो आप लोग संपर्क करिए, मैं मुहैया कराता हूँ। और
विदिन अ मिनट कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें घंटा दो घंटा लगाऊँ आपको मैं कॉल। तो देखो मैं आपको मैं बता दूँ, मैं उठा नहीं पाता क्योंकि बिजी रहता हूँ थोड़ा। आप लोग मैसेज करेंगे तो मैसेज में जल्दी ही यहाँ पर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा यहाँ पर ये टेबल भी आप लोग देख चुके होंगे अभी तक। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। चलो एक बार हम आपको देखो दोबारा बताते हैं, क्या बताते हैं दोबारा, प्रीवियस जाते हैं और प्रीवियस में जाके यहाँ पर देखते हैं कि देखो एक दो तीन चार, चार एक दो तीन चार और ये पाँचवें, पाँचवें नंबर पे आपकी और उफी थ्री का है, ये पाँचवें नंबर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, तो ये हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते ना। ये देखिए यहाँ पर ये आपका इसका निकल के आ रहा है, जो भी यहाँ पर हवलदार साहब हैं, हॉनरी नायक सूबेदार साहब हैं, सबसे कम अगर कोई फ़ायदा होगा इसमें तो हॉनरी रैंक को ही होने वाला है। देखिए आप लोग ये 1550 का फ़ायदा होगा मात्र इन्हें, हॉनरी नायक सूबेदार साहब को, और जो हॉनरी नायक सूबेदार 26 साल के हैं उनको 2300 रुपये का फ़ायदा होगा, और नायक सूबेदार साहब को यहाँ पर 2800 रुपये। मतलब ये कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर अगर विसंगति दूर नहीं होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है, और रुपये थ्री में कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो ये विसंगतियाँ दूर हो जाती हैं तो ये मान लो कि सूबेदार जो SCOs हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर इस रैंक को। तो इसीलिए यहाँ पर संघर्ष करना है, इसीलिए यहाँ पर ये विसंगति दूर करने के लिए आपको मोटिवेट रहना है, और ये इसीलिए धरना चल रहा है इतने दिनों से फ्रेंड्स, यहाँ पर सालों होने जा रहे हैं। फरवरी आ गई, फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में आपकी लिए मैं यही टॉपिक लेके आया था। आपको कोई अगर और भी जानकारी लेनी है, आपको कुछ परेशानी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे। और लगभग यहाँ पर जो फ़ायदा है वो जो है मिनी, मतलब एक अगर एवरेजन लिया जाए तो 2200 का तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है इसमें, और ज़्यादा एडिशनल इसमें कोई फ़ायदा है नहीं और भी थ्री में। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया और आप चैनल को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहें यही उम्मीद करता हूं। आप सभी को मैं बहुत 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 आने वाली साल की बधाइयां देता हूं। तो फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।